नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत जल्दी बन जाएगी ये। तो इसके लिए आपको से नॉर्मल डोसा बैटर लेना है जो दाल और चावल से बना हुआ होता है। बस उसी के ऊपर हम थोड़ा सा सब्जियाँ और चीज़ डाल के चीज़ रोल बनाएंगे इसका। तो आइए बनाते हैं इसे। तो इसके लिए देखिए, आप डोसा पैन को गर्म कर लीजिए और उस पर थोड़ा पानी डालकर टेम्परेचर को नॉर्मल कर लेना है हमें। और इसके ऊपर हम 1.5 चम्मच भरकर पूरा डोसा बैटर डालेंगे, क्योंकि इसे हमें बहुत पतला नहीं बनाना है, क्योंकि ये रोल होगा, सब्जियां डालेंगे। तो थोड़ा सा आप नॉर्मल डोसे से इसे थिक रखें। इसके बाद आप इस पर घी या ऑयल जो भी आप डालना चाहें वो डाल लीजिए और इसे थोड़ा सा कुक होने देंगे, लगभग हाफ कुक। इसके बाद देखिए, इस पर मैं पिज़्ज़ा सॉस फैला रही हूँ। आप चाहें तो टमाटो सॉस, लहसुन की चटनी, शेजवान सॉस, आप कुछ भी डाल लीजिए, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है। तो ये मैं पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ यहाँ पर। और इसके बाद इसके ऊपर फिर से आप अपनी मनपसंद की कोई भी सब्जियाँ ले लीजिए, थोड़ा बारीक काट कर। तो मैं यहाँ प्याज, स्वीट कॉर्न, थोड़ा सा टमाटर और शिमला मिर्च डाल रही हूँ। आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं अपनी पसंद की। और देखिए, लास्ट में इसमें हम बहुत सारा चीज़ डालेंगे। तो चीज़ को मैंने कस लिया है और अब इसमें हम अच्छे से चीज़ डालेंगे। जितना चीज़ आपको पसंद है आप डालिए, तभी ये टेस्टी बनेगा। और ये सब होते होते देखिए 2-3 मिनट में ये डोसा बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाएगा। तो इसका हमें सावधानी से एक रोल बना लेना है। तो इतना क्रिस्प नहीं करना है आपको कि रोल टूट जाए। तो ये देखिए, फटाफट से एक ईजी और टेस्टी रेसिपी हमारी तैयार है। तो ये देखिए, बहुत ही टेस्टी रोल बन गया। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितना चीज़ी रोल है ये। ये देखिए, चीज़ और सब्जियाँ, बहुत ही टेस्टी डोसा बना है। तो आप बनाइए इसे। और अगर आपको ये मेरी वीडियो और रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।